नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेब टॉपर चैनल में। आज का विषय है कि गूगल पे आपने क्या-क्या देखा, ये कैसे पता चलेगा और इसको डिलीट कैसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो क्रोम ब्राउजर जनरली हम सब लोग यूज करते हैं, और क्रोम ब्राउजर में आपने अभी तक कौन कौन से साइट्स देखे हैं, क्या क्या ब्राउजिंग किया है, ये आप ही जानते हैं, लेकिन कंप्यूटर भी ये सब कुछ स्टोर करके रखता है। तो कैसे देखिए, आप यहाँ वर्टिकल 3 डॉट में जाइए और यहाँ हिस्ट्री में जाइए, या आप डायरेक्ट कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते थे। तो हिस्ट्री में अभी तक हमने क्या क्या वेबसाइट्स ओपन करके देखी है, उसकी पूरी हिस्ट्री आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें से मैं कुछ भी जस्ट स्टार्टिंग का एक दो लेटर भी टाइप करता हूँ तो ये पूरी जानकारी मुझे मिल सकती है। जैसे कि मैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर क्रोम, और आगे साइट का नाम भी है, तो मैं सिर्फ यहाँ लिखता हूँ कीबोर्ड, मैं यहाँ लिखता हूँ कीबोर्ड KEY। तो देखिए यहाँ मैंने क्या सर्च किया था, यहाँ आप देख रहे हैं। तो ये सब जानकारी आप किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते हैं, आपने क्या क्या ब्राउजिंग किया है किसी दूसरे को नहीं पता होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है, आप जाइए यहाँ 3 डॉट्स में, हिस्ट्री में जाइए। मैंने बताया आप यहाँ पहुँचने के लिए कंट्रोल एच भी प्रेस कर सकते हैं। इसमें से यदि आप ये हिस्ट्री में से कोई सिलेक्टेड ब्राउजिंग किया हुआ, कोई सिलेक्टेड यूआरएल आप डिलीट करना चाहते हैं, तो ऐसे सिलेक्ट करके यहाँ ये डिलीट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। आप पूरा ही हटाना चाहते हैं तो आपको ऐसे सिलेक्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ आ जाइए क्लियर ब्राउजिंग डेटा में और यहाँ क्लिक कर दीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद अभी आपको क्रोम पूछ रहा है कि आप क्या क्या डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, डाउनलोड हिस्ट्री, कुकीज एंड अदर साइट डेटा, कैश इमेजेस एंड फाइल्स, पासवर्ड्स एंड अदर साइन इन डेटा, ऑटोफिल, फॉर्म डेटा, साइट सेटिंग, होस्टेड ऐप डेटा। तो आप चाहे तो यहाँ सभी पे टिक कर सकते हैं, लेकिन और यहाँ और एक जरूरी चीज आप समझ लीजिए, यहाँ टाइम रेंज का एक ऑप्शन है, यानी कि आपने जैसे कि लास्ट 1 आवर में आपने क्या क्या किया वही डिलीट करना चाहते हैं, या लास्ट 24 आवर्स का डिलीट करना चाहते हैं, या लास्ट 7 डेज का डिलीट करना चाहते हैं, लास्ट 4 वीक्स का डिलीट करना चाहते हैं, या ऑल टाइम का डिलीट करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। देखिए आप ब्राउजिंग हिस्ट्री तो कर सकते हैं, डाउनलोड हिस्ट्री कर सकते हैं, कुकीज कर सकते हैं, कैश इमेज एंड फाइल्स भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ देखिए पासवर्ड एंड अदर साइन इन डेटा। तो जहाँ भी आपके पासवर्ड्स सेव होते हैं, जैसे कोई साइट आप, जैसे कोई ईमेल हो या कोई बैंकिंग की साइट हो, कोई ई शॉपिंग की साइट हो, वहाँ आप जो पासवर्ड टाइप करते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेव हो जाता है, तो हमेशा नेक्स्ट टाइम आपको फिर पासवर्ड आप टाइप नहीं करते, वो वहाँ आपको ऑटोमेटिक मिल जाता है, तो वो भी आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ भी टिक कर दी। ऑटो फॉर्म फिल, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं ऑनलाइन में जहाँ आपने ऑलरेडी डेटा भरा हुआ है, वो भी आपको ऑटोमेटिक नेक्स्ट टाइम मिल जाता है, वो भी आप चाहते हैं कि हट जाए तो यहाँ ये भी क्लिक कर दीजिए। साइट सेटिंग्स भी बहुत सारी आपने चेंज की होगी, वो भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। तो यहाँ आपको ये सब कुछ हटाना चाहिए, और ये जो एक्सरसाइज है ये आपको रेगुलर करनी चाहिए, ताकि आपका पीसी, यदि आपके फैमिली में एक ही पीसी या एक ही लैपटॉप है और आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो, आप क्या ब्राउज करते हैं कोई देखना नहीं चाहिए दूसरे ने, तो आप ये जैसे ही आपका ब्राउजिंग कंप्लीट हो जाता है, आपका नेट का काम कंप्लीट हो जाता है, तो ये एक्टिविटी आपको डेली करना चाहिए। दिस इज गुड प्रैक्टिस फॉर यू टू मेंटेन योर प्राइवेसी। ओके, तो यहाँ आप ऑल टाइम ही रख दीजिए और ये पूरा आप सिलेक्ट करके क्लियर डेटा बोल दीजिए। थोड़ा
थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, जैसे कि पासवर्ड हमेशा जो आप ऑटोमेटिक पासवर्ड सेव हुआ था वो हमेशा आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, कुछ फॉर्म फिल वाला जो डेटा था वो भी ऑटोमेटिक मिल जाता था। अभी ये करने के बाद आपको हमेशा फ्रेश टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ क्लियर डेटा बोल दीजिए, आपका पूरा डेटा सब कुछ कुकीज डाउनलोड्स ब्राउजिंग हिस्ट्री सब कुछ चला गया है। चलो हम देखते हैं, यहाँ ये बंद कर देता हूँ, नया टैब खोल देता हूँ, हिस्ट्री में चले जाइए, कुछ मिलता है क्या देखते हैं। देखिए आपकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ क्लीन हो गया है, और अभी कोई भी दूसरा यहाँ पे आपका फैमिली मेंबर्स ये आपका लैपटॉप या पीसी पे बैठता है ब्राउजिंग करता है तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि इससे पहले किसने क्या काम किया था, कौन सी साइट खोली थी, क्या ब्राउज किया था, कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका सेफ ब्राउजिंग। आप जब भी काम करते हैं उसके बाद आपको हिस्ट्री डाउनलोड्स पासवर्ड्स फॉर्म फिलिंग डेटा ये सब कुछ हटाना चाहिए और इससे आपकी प्राइवेसी मेंटेन होगी। तो यही था आज का टॉपिक। तो दोस्तों आशा है आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, अच्छा लगा होगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और आगे के वीडियो आने तक नमस्ते।